पंचबासुधा में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। विदिशा जिले में नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर देहात थाना प्रभारी ब्रजेंद्र मर्सकोले ने एसडीओपी जीपी अग्रवाल के निर्देशन में अपनी टीम के साथ ब्राउन शुगर बेचते हुए मुकेश यादव नामक एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 76,000 रुपए की लगभग 11.3 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। मुकेश यादव जो कि रजौरा का रहने वाला है, वो चाचोड़ा तरफ से कहीं से इसमें लाकर लोगों को यहाँ बेचता है, जिसमें छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना देहात पुलिस द्वारा प्रयास कर घेराबंदी करके मुकेश यादव नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। रतन भाई स्कूल के पास से इसके पास करीब 11.5 ग्राम इसमें बरामद हुई है। उसके द्वारा ये बताया गया कि ये कोई विश्वकर्मा है चाचोड़ा का, चाचोड़ा के पास में गाँव है, वहाँ का, वहाँ से लेके आता है। हम उसका प्रयास ये कर रहे हैं कि उनके नंबर लेके आगे में उसमें कार्रवाई करें, उन लोगों को गिरफ्तार करें। कितने इसका बाजार मूल्य क्या होगा? लगभग 60-65 हज़ार रुपये करीब इसका मूल्य है। आरोपी नई उम्र के युवकों को ब्राउन शुगर का आदि बनाकर अपने जाल में फंसाता था और उन्हें नशे का आदि बनाकर अपना ग्राहक बनाता था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाड़ न्यूज, गजबासोदा।